नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के भागीरथपुर नई बाजार दुल्लपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात को एक घटना को अंजाम दिया है, जहां से सोने चांदी के जेवरात सहित जरूरत की सारी सामान लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि एक ही रात को नई बाजार भागीरथपुर दोनों ग्राम सभा के गाँव में लगभग चार घरों को निशाना बनाया है। आइए इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, पूरी जानकारी सुनते हैं। किस तरह से उन्हें क्यों नहीं जानकारी हुई, क्या कुछ किए, सारा डिटेल हम चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा नाम पलटू राम, नई बाजार कैसे चोरी कितना हुई? सर, मैं पानी भरा कर आया 12 बजे रात को, दरवाजा बंद किया, ताला बंद कर दिया और पंखा लगा कर सो गया बाहर, और इसके बाद 1 बजे से 2 बजे के बीच में चोरी शुरू हुआ है। लाकर हम लोग उनका पूरा परिवार बाहर सोए थे, बच्चे कल छत पर सोए थे सर, और आकर ताला तोड़ कर चाबी पा गए, खोल कर पूरा दे सामान देकर जाकर बाहर उस खेत में सर बिखर कर पूरा सामान चोरी कर लेकर भाग गए। और मेरा कहना है सर कि रात को कम से कम 10 बजे से 3 बजे तक मोबाइल सर्विस लाइन से चेक किया जाए, तभी सर हमको संतुष्टि होगा सर। और मेरा 3 लाख का गहना गया है सर, 25,000 नगद रुपया गया है सर इसमें। तो आपने थाने में तहरीर दिया है? थाने में दिया हूँ सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना पेपर पत्रिका, ना कुछ भी छानबीन नहीं हुआ है सर। पुलिस आई थी मौके पर? जी, मौके पर पुलिस 100 नंबर डायल किया था सर, आकर सामान का फोटो खींचा है, घर का फोटो खींचा है, पूरा सामान यहाँ से लेकर वहाँ तक कानून बिखर कर गया है, कानून आश्वासन कानून देकर चले गए हैं। और अब तक कोई सब 24 घंटा हुआ, कोई आपत्ति का और कोई जांच करने के लिए कोई पुलिस नहीं सर, कोई अब तक हमारे घर में हमको भीम आदमी से सहायता चाहिए सर, और सर्विस लाइन से सहायता चाहिए कि इन लोगों को 26 तारीख को रात में सर 10 बजे से 2-3 बजे तक सर्विस लाइन पर मोबाइल नंबर जाँच किया जाए, जलालाबाद मोड़ का सर्विस लाइन पर सर, और पूरा कान चोरों का गिरोह का पता चलेगा सर। अच्छा, मोबाइल लेकर आए थे चोर, पता है आपको? जी, कानो दरवाजा के बगल में सर, कोई कानो गांव का भेदिया है सर इसमें, कि जो पानी भराने हम और मेरा बेटा सर पानी भरा कर गए 11 बजे घर से, और कोई सर्विस कोई बॉडी गार्ड सर कानो गांव का है कि जो बताया है कि नहीं पानी भरा रहे हैं ये लोग बाप बेटा दोनों, और हम लोग वहाँ से 12 बजे रात को 12:30 बजे आए हैं सर, और घर में जैसे बंद करके सो गए तब तक हम लोगों को मेरे 2 बजे लड़की जगाई है सर, मेरी लड़की जाए पापा पापा केवाड़ी क्यों खोला है पापा, तो मैंने हमको नींद ही नहीं खुला था, ऐसे रात में हम जागते हैं, मालूम नहीं कुछ जहर कानून घोर के पिला दिए कि क्या किए समझे नहीं यार, नींद ही नहीं खुल रही थी हम, जबकि एक बार कानून जागने वाले हैं एक बार बोलने की लेकिन नहीं जान पाए, नहीं जान पाए। मैं मेरा भाभी, मेरा बीवी, मेरे बच्चे सब लोग सोए थे, किसी को नहीं पता चला, मेरी बच्ची नीचे मुड़ी करके सोई थी, उसको नहीं कानून खोज आया, और जैसे ही मैं वो हमको जगाई हम जाग भी नहीं पाए सर। क्या नाम आपका? कैसे चोरी हुई है, कहाँ सोई थी आप लोग? घर में सोई। जानकारी हुई आप लोगों को ना? क्या क्या चोरी हुआ? अरे हमारा सब कुछ गाना जो पुराना नया था वो सब कुछ ले गया। पुलिस आई थी घर पे? जी, 100 नंबर सुबह हम लोग जाने तो बुलाए तो वो आई थी, तो क्या थोड़ा ये फोटो तो खींच कर ले गई, अभी कुछ सुनवाई नहीं, थाना पर भी हम लोग गए थे। उसके बाद पुलिस नहीं आई अब तक? कितना का चोरी हुआ लगभग, कितना गहना गया? गहना का हमारा चोरी कम से कम हो गया है 3 लाख जाएगा, क्योंकि हम बच्ची को भी बनवा कर उसमें रखे थे, हमारा था पुराना गहना था। तो इतना गहना आप लोग घर क्यों रखते थे, बैंक में नहीं रखना चाहिए? अरे हम लोग सोचे कि क्या हम लोग बैंक में रखते हैं, बैंक में इसलिए भी तो लाकर बना है, वहाँ पर अपना गहना सेफ रख सकती हैं, जैसे पैसा जमा करती हैं वैसे गहना भी जमा हो सकता है। गहना बैंक वाले भी भाग जाते हैं लेकर के, कहते हैं कि बैंक भाग गई है, ये हो गया। जिसके डर से आप लोग घर पे रखते? जी,
पैसा भी हमारा पति लाए थे काम करके, 25,000 तक रुपया लाए थे। जो लेबर मिस्त्री थे उनको, उन सब को देने के लिए वो सब भी पैसा घर पर ही ले सकते। कब चोर ले गए? सब चोर ले गए। जानकारी नहीं हो पाई आपको? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग बाहर सो रहे। वहीं पास के ही एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाया है, जहां से शटर का ताला तोड़ने के बाद कपड़ों का बंडल, अपने साइज की चड्ढी का पूरा पैकेट, बनियान का पूरा पैकेट सहित जो भी नए नए कपड़े मिले उसका गट्ठर बनाकर चोर अपने साथ लेकर चले गए। वहीं बगल के ही घर में इसी दुकानदार का घर भी था, जो छत पर सोए थे और नीचे सब तोड़ दिया गया। आइए इनसे सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। चोरी कैसे हुई है, कब जानकारी हुई आपको? आपको हमको 3 बजे जानकारी हुई है रात में। जी, कहाँ सोए थे आप लोग? छत पर सोए थे। क्या क्या चोरी हुआ है, कैसे? गहना हुआ है करीब 1,50,000 का और 20,000 नगद हुआ है, और कपड़ा एक गठिया गायब हुआ है साड़ी का, और अंडरवियर 2-3 डब्बा गायब है। अच्छा, और बस तेल हुआ है, 2 लीटर का तेल। सरसों का तेल भी ले गए चोर? हाँ, सरसों का तेल। क्या नाम आपका? मीना देवी। कब जानकारी हुई आपकी कि आपके घर चोरी हुई है? जब हम सोकर छत पर से उठे 3 बजे से 2-4 मिनट पहले। जी, तब हम आए, तब हम आए तो नीचे देखे तो हमारा ताला पूरा हुआ था, सामान सब लेके गए। क्या क्या चोरी हुआ? 20,000 रुपए नगद और हमारे सारे जोड़े जोड़े गहने सब चोर ले गए। सब जोड़े जोड़े। पुलिस को सूचना दी है आप लोग? जी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। 100 नंबर केवल आई थी, थाने से पुलिस नहीं आई। पहले 100 नंबर आई, इसके बाद ये क्या बताए, कुछ बताए? अब हम नहीं, अब आदमी लोग समझे हमको, पुलिस लोग लेकर आए हमको घर में और हमसे पूछे, तो हमें जो आपसे बता रहे हैं वही हम पूछे। किसी पे शक है आप लोग? कोई संदेह, कोई आने वाला जाने वाला? हमारे घर में कोई नहीं आता जाता। क्या नाम आपका? 25 से 30 के अंदर। कहाँ की रहने वाली? नहीं रहे। चोरी की घटना जो हुई है वो कैसे हुई और कैसे आप लोगों को जानकारी हुई? चोरी जो हुई थी आपके घर, कैसे आपको जानकारी मिली, कब आप जाने की चोर आए हैं? भैया ऐसे अंदर घर में सोते, तब फरसा से मारना दरवाजा, तब उठने तो चोर छोड़ के वापस भाग गए। कैसा रहना चोर? बड़े लंबा लंबा रहना, बड़े बड़े मोटे मोटे। उम्र कितना लगभग रहा? 30 के आसपास। हाँ। मतलब दूरी से आप देखे कि नजदीक? नहीं, दूरी से देखी। पहचान नहीं पाए? नहीं। क्या पहने थे वो? पैंट शर्ट। कितने लोग थे? 2। दरवाजा अंदर से बंद था कि बाहर से बंद था? नहीं, अंदर से बंद था। तो सीढ़ी के रास्ते हो सब? हाँ, सीढ़ी पर दरवाजा नहीं है? नहीं नहीं, ताल लगा। देखेंगी तो पहचान जाएंगी, कुछ आप लोकेशन पता है आपको? पीछे से हम पहचान, आगे से ना पहचान। पीछे से आप देखें? हाँ, आगे से ना देखें। दूरी से आप देखें? हाँ। चेहरा नहीं देखें? नहीं नहीं, चेहरा ना देखें। इस मकान मालकन का कहना है कि हम लोग रात को जब खटर पटर की आवाज़ सुने तो नींद खुल गई और बाहर जाकर देखा तो बक्सा लेकर कोई जा रहा था। हम तुरंत समझ गए कि यह चोर हैं। हमने शोर मचाना शुरू किया तो घर के अन्य सदस्य भी जाग गए और अपने आप को परिजनों के बीच घिरता देख चोर बक्सा को छोड़कर ही फरार हो गए, जबकि बक्से को पूरी तरह से तोड़ चुके थे चोर। लेकिन अपने पास जो घर में खंगालते समय जो सामान था वही चोर ले जा पाए, जो बक्से में जरूरी कीमती सामान थे उस पर वह हाथ नहीं साफ कर पाए और 2-3 बक्सा था दोनों तीनों का ताला तोड़ दिया, बड़े बक्से का कुंडी तोड़ दिया। सब तोड़ने के बाद चोर यहां से चोर सब कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं
परिजनों की तहरीर पर थानाध्यक्ष महोदय ने उचित कार्रवाई करते हुए कहा कि संदिग्ध कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा।